उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। तमंचे के बल पर किया बलात्कार, पीड़िता का ठहरा गर्भ। सरकार द्वारा किए जा रहे महिला सुरक्षा के नाम के दावे फेल नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, तो वहीं दबंगई के बल पर महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। मामला बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है, जहां करीबन 6 महीने पहले पीड़िता के साथ गाँव के ही भूपेंद्र उर्फ पिंटू ने तमंचे के बल पर दिन दहाड़े बलात्कार किया और घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी और डरा धमका कर कई बार बलात्कार भी किया, जिससे पीड़िता 6 महीने की गर्भवती हो गई। हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने यह बात अपने परिजनों को बताई तो दोनों परिवार वालों के बीच शादी करने के लिए सुलह समझौता हो गया। अब आरोपी पक्ष पीड़िता से शादी करने के लिए इनकार कर रहा है। पीड़िता और पीड़िता के परिवार वालों ने कोतवाली बिसौली में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। किस थाने का और क्या मामला है आपका? हम बिसौली थाने के रहने वाले हैं। 6 महीने पहले हमारी लड़की साथ में, हम घर पे नहीं थे, हम मेहनत प्लांट पे काम कर रहे थे मजदूरी, हमारी बीवी मैके गई थी, अकेली लड़की देख के नाजायज असला से इन्होंने गलत काम किया जी। हमने 2 दिन बाद पता चली तो हमने इनसे कही थी, तो इनने शादी को इच्छुक हो गई। अब लड़की हमारी गर्भवती रह चुकी, शादी से इनकार कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? राम सेवक, पुत्र मदारी और पिंटू और तारावती। लड़के का क्या नाम जिसने बलात्कार किया जबरदस्ती? उसका नाम भूपेंद्र और पिंटू। हाँ, जयसिंह सागर के साथ गौतम की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।